नमस्कार, आपका स्वागत है संगीता किचन ब्लॉग में। आज मैं बनाने वाली हूँ बच्चों के टिफिन के लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी ब्रेड का नाश्ता। आप सोचेंगे कि ब्रेड का नाश्ता है तो हेल्दी कैसे हो सकता है, तो आप पूरी वीडियो देखिए, आप भी ज़रूर से बना करके खाएंगे। एक बार जब आपने देख लिया तो बनाए बिना रह नहीं पाएंगे। और बच्चों के टिफिन में देंगे तो बच्चे बिल्कुल फिनिश करके आएंगे। चाय के साथ दे सकते हैं, मेहमान को देंगे तो मेहमान बार बार आएंगे आपके घर। तो फिर चलिए चलते हैं देखने। बच्चों को लंच में देने के लिए नाश्ता बना रहे हैं, तो उसके लिए मैंने लिया है बिल्कुल फ्रेश वाली गाढ़ी दही 1 कप। दही मीठी होनी चाहिए तभी नाश्ता अच्छा बनेगा। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यदि ये मीठी नहीं, हल्की सी खट्टी लग रही है तो हल्का सा चीनी या चीनी का पाउडर मिक्स कर सकते हैं। मिक्स कर ले रही हूँ। इसके बाद इसमें आधी छोटी चम्मच मैं डाल रही हूँ चाट मसाला, आधी चम्मच काला नमक, बिल्कुल चुटकी भर हल्दी पाउडर, आधी चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर। अब इन मसालों के साथ इसे कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स। इस तरह से बच्चों को नाश्ता बना करके देंगे ना लंच बॉक्स में, तो बिल्कुल खाली करके आएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटा होता है, हेल्दी भी होता है क्योंकि दही से बना है। मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और दही हमारी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो गया है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे कि और ज़्यादा टेस्टी लगे, उसके लिए हम तड़का बना रहे हैं। मैंने तड़का के लिए एक बार बर्तन ले लिया है और इसमें डाल देंगे देसी घी। देसी घी का तड़का लगाएंगे तो ज़्यादा स्वाद आएगा, क्योंकि हम दही से बना रहे हैं। वैसे तेल से भी लगा सकते हैं। अब जैसे ही घी गर्म हो जाएगा उसमें मैं डाल दूंगी 1 छोटी चम्मच राई। राई को तड़कते ही डाल देंगे हरी मिर्च और लाल मिर्च कटी हुई, चॉप किया हुआ 3-4 कलियां लहसुन भी डाल देंगे। अब इसमें कुछ करी लीव्स डाल करके इसे भी पका लेंगे थोड़ा सा। अब ये जो दही का घोल बना करके रखा था इसी में डाल देंगे ताकि और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाए। और जितने भी राय वगैरह इसमें लगे हुए हैं ना, इसमें डाल देंगे। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा है आता है, एक बार ज़रूर बनाइएगा। और यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इस तरह से दही बना करके लेंगे ना, या रोटी के साथ या किसी चीज़ के साथ खाएंगे तो वो भी बहुत मज़ेदार लगेगा। और यहाँ पर मैंने लिया है फ्रेश वाली धनिया पत्ती। अब ये हमारा जो बैटर है, घोल है, बिल्कुल तैयार हो गया है, बिल्कुल रेडी है। अब इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है। आपने देखा मसाले वगैरह बिल्कुल कम, बहुत कम मसाले मिले हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। एक बार अपने बच्चों को बनाकर तो देखिए, बच्चे बार बार बनवाएंगे और बहुत पसंद आएगा बड़ों को भी। अब गैस की तरफ आ गए हैं। गैस ऑन करके एक तवा रख लिया है नॉन स्टिक, और इसके ऊपर बिल्कुल जरा सा मैंने डाला है ऑयल। आप घी या ऑयल किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर वाइट ब्रेड लिया है, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। अब मैं एक ब्रेड ले लूँगी और इस घोल में डिप कर दूँगी अच्छी तरह से, इस तरह से दोनों तरफ से। अब ये डिप करने के बाद सीधा उठाकर देखिए इस तरह से मैं डाल दूंगी तवा के ऊपर। फ्लेम को लो मीडियम पे ही रखेंगे, 2 मिनट से इसे लो मीडियम पे पकने देंगे अच्छी तरह से। देखिए इस तरह से बहुत अच्छे से पक रहे हैं। अभी थोड़ा सा कलर आने देते हैं एक तरफ। अब इसके ऊपर से 2-4 बूंद तेल इस तरह से डाल देंगे और इसे पलट देंगे। ये देखिए बहुत आहिस्ता से इस तरह से पलट दिया। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, टेस्ट भी बहुत होगा। दूसरी तरफ से भी इसी तरह से सेक लेंगे। दूसरी तरफ भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक गए हैं। अब दूसरा भी बना लेते हैं। ये देखिए दूसरा वाला भी इसी तरह से डाल देंगे। एक ब्रेड लिया, एक और दिखा दे रही हूँ आपको, और इस तरह से डिप किया और निकाल कर इस तरह से इसे भी पका लेंगे। फ्लेम को मीडियम लो पर भी रखेंगे, अभी बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। थोड़ा सा इसे पक जाए तरफ से, फिर उसे पलटेंगे। दूसरे वाले को भी एक तरफ सिकने के बाद 1-2 बूंद तेल डालने के बाद इसे अच्छी तरह से पलट देंगे। ये देखिए इस तरफ से, एक तरफ से अच्छी तरह से पक गए हैं, दूसरे तरफ भी इसी तरह से पका लेंगे। दूसरा वाला भी तैयार हो गया है, इसी तरह से सभी बना लेंगे। देखिए हमारा सारा टेस्टी टेस्टी नाश्ता बन करके तैयार हो गया है।
लंच बॉक्स में रखना हो तो इसे कट करके देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और ऐसे भी खाने में बच्चों को या बड़ों को आसानी होगी। इस नाश्ते को आप चाय के साथ खा सकते हैं या सुबह ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, बच्चों को लंच में तो दे ही सकते हैं। देखिए इस तरह से सारे ब्रेड को कट कर देंगे। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी हमारा नाश्ता बनकर के तैयार है बच्चों के टिफिन के लिए। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।